हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज मैं आपके लिए डेस्कटॉप पे ब्लैक स्क्रीन आ रही है इसका मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ एक पूरा वीडियो अंत तक देखना। आप देख सकते हो कर्सर दिखा रहा है अपन, स्क्रीन पूरी ब्लैक है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है। हम सेफ मोड स्टार्ट करेंगे अभी। जो आपके पास लैपटॉप है तो कोई भी पीसी सिस्टम है तो इसको आप मेन बटन ही ऑफ कर देना 2-3 बार, आपको ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो प्लीज़ यार, आपके आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर देना। ऐसा सर्चिंग का ऑप्शन आया ना तभी फिर से ऑफ कर देना, फिर स्टार्ट कर देना। आप देख सकते हो बार बार ट्रिप मारा है, अभी ऑप्शन नहीं आ रहा। हम फिर से बंद करेंगे, एक साथ 3 बार करना पड़ेगा जब तब भी होगा ये। आ गया रिपेयरिंग द ऑटोमेटिक रिपेयरिंग ऑप्शन आ गया अभी। तो डायग्नोसिस और पीसीस, प्लीज गाइस ये वीडियो अंत तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लास्ट में लाइक और कमेंट कर देना। अभी आ गया ऑटोमेटिक रिपेयरिंग में रिस्टार्ट और एडवांस ऑप्शन। हम एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, इसमें कंटिन्यू, ट्रिबल शूट एंड टर्न ऑफ द पीसीस। हम ट्रिबल शूट में जाएंगे, उसके बाद एडवांस ऑप्शन में इसमें जाएंगे। यहाँ पे सिस्टम रिस्टोर, सिस्टम द इमेज रिकवरी, पची स्टार्टअप द रिपेयरिंग, कमांड द प्रमोट, पची स्टार्टअप द सेटिंग एंड गो बैक टू द प्रीवियस वेरियंट्स। हम जाएंगे पहले स्टार्टअप द सेटिंग में। यहाँ पे मिलेगा आपको स्टार्टअप सेटिंग में अनेबल द लो रिजोल्यूशन वीडियो मोड्स, अनेबल द डेवलप मोड, अनेबल द बूट लॉगिंग, अनेबल द सेफ मोड। हम लोग सेफ मोड में जाएंगे, अभी यहाँ पे रिस्टार्ट करना पड़ेगा। आप गाइस देख सकते हो कि कंप्यूटर की ब्लैक स्क्रीन को हम कैसे वो स्टिक कर सकते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को एक चुटकी में कैसे सही कर सकते हैं। अभी जो आ गया पूरा सेटअप का, स्टार्टअप सेटिंग का, पहले अनेबल है, अच्छी अनेबल द बूट। तो हम लोग से ना आप F4 से दबाएंगे और अनेबल द सेफ मोड पे जाएंगे अभी, क्योंकि हमारा अभी काम ही सेफ मोड का अभी है। ये सेफ मोड स्टार्ट हो गया अभी। ऑप्शन है सेफ मोड के लिए F4 भी, कंट्रोल F4 भी पूरा सिस्टम। तो गाइस प्लीज़, ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो गाइस प्लीज़ शेयर और कमेंट कर देना यार, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ लाइक। और बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई यार, तो गाइस प्लीज़। आप देख सकते हो अभी लोडिंग रहे तो भी हमारा हो गया सेफ मोड, और साइड भी देख सकते हो सेफ मोड, हमारा पूरा स्क्रीन और पूरा डेस्कटॉप ऑन हो गया। अभी यहाँ से बोलेगा कनेक्ट द इंटरनेट्स, हम कनेक्ट ऑनलाइन भी कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से भी हम सिस्टम हमारी अपडेट करके बाद वो प्रॉब्लम को मिटा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम जाएंगे सर्च वाले ऑप्शन में, यहाँ पे डायल करना कंट्रोल, यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल पैनल पे। अब कंट्रोल पैनल को भी आराम से कंट्रोल सी, अरे कंट्रोल सी से भी आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में जाएंगे अभी, यहाँ पे आप देख सकते हो तो डिस्प्ले द एडेप्टर्स, यहाँ पे जाएंगे अभी हम लोग। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बेसिक डिस्प्ले एडेप्टर्स, इसको हम अनइंस्टॉल करेंगे। दूसरा मॉनिटर में जाएंगे हम, जहाँ जेनेरिक नॉन पेव मॉनिटर से वहाँ को, इसको भी हम अनइंस्टॉल कर देंगे।
यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे अभी। अभी ये हमारा सिस्टम देख सकते हो, तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल है। यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा विंडो है नॉर्मल मोड टू एक्टिव से अभी, तो स्टार्ट द रिस्टार्ट करेंगे हम लोग। रिस्टार्ट करने के बाद ही हमारा पूरा सिस्टम वो पहले जैसे ही बन जाएगा। तो प्लीज़ गाइस थैंक यू सो मच वही वीडियो अंत तक देखने के लिए। थैंक यू।